गाइस T20 वर्ल्ड कप की कैसी अंडररेटेड टीम जिसने पहले तो वेस्ट इंडीज को हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब सबसे मजबूत टीमों में से एक इंग्लैंड को हराकर बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां गाइस, अब बात करें आयरलैंड टीम की, जिसके बारे में टूर्नामेंट से पहले शायद किसी ने ये सोचा होगा कि ये इस तरह से धमाल मचा देगी। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मुकाबले में आयरलैंड ने इंग्लैंड के सामने 158 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 14.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 105 रन ही बना पाई थी और वहां मूसलाधार बारिश हो गई और तब इंग्लैंड अपने लक्ष्य से 53 रन दूर होने की वजह से डकवर्थ लुइस के हिसाब से आयरलैंड से 5 रनों से हार गई। वैसे गाइस, अब आयरलैंड शिकार पर निकल चुकी है और उसका अगला शिकार कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आयरलैंड आगे सेमीफाइनल और फाइनल में जगह बना पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने 5 सेकंड रूल के बारे में तो सुना ही होगा और अगर नहीं सुना तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी कोई खाने की चीज जमीन पर गिर जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर इसे 5 सेकंड के अंदर उठा लिया जाए तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसे खाया जा सकता है क्योंकि बैक्टीरिया उसको पैदा होने में 5 सेकंड से अधिक का वक्त लगता है। लेकिन गाइस, ये 5 सेकंड वाला रूल पूरी तरह से एक मिथ है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो किसी भी चीज पर बैक्टीरिया मिनी सेकंड में अटैक कर सकते हैं और इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि खाने का सामान कितनी देर से गिरा हुआ था, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो कहां गिरा था। हाँ, अगर सरफेस साफ है तब तो गुंजाइश है, वरना कहीं भी कुछ गिरने के बाद आप 5 सेकंड रूल का पालन ना ही करें तो अच्छा होगा। वैसे गाइस, आप में से कितने लोग इस रूल को अभी तक फॉलो कर रहे थे और सच मान रहे थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? कर लो, नहीं किया तो मिलता अगली वीडियो में।